ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा समिति में शामिल अन्य नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। सीईसी की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए नामों में से उम्मीदवार फाइनल किए जाते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वह इस वक्त केरल के वायनाड से सांसद है। वहीं प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने के बाद रायबरेली सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी परिवार के किसी सदस्य को ही टिकट दे सकती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।